मरीज को ठंडा होगा, नहीं दिक्कत तो भी होगा। ठंडा रहता है कि जाएगा तो प्रॉब्लम कर देगा। ब्लड तो कितना ब्लड है जी ब्लड बैंक में करके दे देते हैं कि चढ़ाना है ना। उस समय नहीं बोला कि कोई की ब्लड नहीं है, इसके बाद बोला कि एलन को ऑपरेशन किए कंट्रोल हुआ उस समय था कि मेरे से कंट्रोल हुआ। तो फिर एक बार आके दो घंटा चार घंटा चेक करवा रहे हैं सर। मेरा उम्र देखिए 8 बजे से शुरू होते हैं और किसी भी टाइम में ऑपरेशन होने का कोई टाइम निश्चित नहीं है, मेरा कोई टाइम निश्चित नहीं है और डेली डेली ऑपरेशन होने लगता है और एकदम क्रिटिकल आता है कि किसी को कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो ही जाता है और मुझसे नहीं होता सर। हम डायबिटिक हैं, ये हमारे डेली डेली नहीं ना हो सकता है सर। मेरा बस ये भी कहना है कि कहीं भी आप केसों की नहीं है किसी का आपने ऑपरेशन किया तो सुबह में आकर के हम देखते हैं सर। तो शाम में एक बार वार्ड में फोन किए कहीं भी नर्सिंग प्राइवेट नर्सिंग होम हो सरकारी हॉस्पिटल हो हर जगह का ये है कि जिसका दिन में ऑपरेशन हम लोग करते हैं शाम में डॉक्टर जाके एक बार फोन के देख लेते हैं क्या बनाए और नहीं तो कल बहुत बड़ा पैसा लेंगे। भगवान से बनाइए आप यही बनाइए नहीं हम बोल रहे हैं सर। टाका पड़ गया आपको? कहाँ गया? टाका पड़ गया? चला गया। अब दवा ऊपर गया तो फास्टिंग में था पेपर मारा था। हाँ आराम से आराम सरेंडर करके जाएंगे। हाँ यहाँ रहते हैं ना सर आपका सबूत यहाँ रहते कोई नहीं सर कोई नहीं अभी ड्यूटी किसका है सर? डॉक्टर सरेंद्र नहीं वो तो इमरजेंसी में दोनों का अभी नाइट वाला दोनों एक ही साथ रहते हैं। अभी जिसकी ड्यूटी थी 8 बजे तक वो नहीं था नहीं यहाँ देख रहे थे यही सर। सर सर एक क्वेश्चन कोई हो मेरा नंबर नहीं कुछ नहीं। अरे ब्लड हम दिए अपना लाभ देंगे सर दिए और यहाँ फ्री इलाज होता है। सरकार एक एक इलाज फ्री करता है सारा दवा देता है फ़ोन किया था कि मैं इमरजेंसी में आया हुआ हूं और डॉक्टर
हमारे पेशेंट को नहीं देख रहे हैं और उनका बिहेव नहीं अच्छा है, वो लेटे हुए हैं। तो मैं ऑफिस से सीधे यहाँ आया, मीटिंग में कर रहा था, मैं सीधे आया और ऑफिस का यहाँ का हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और डॉक्टर को हमने चेतावनी दी है, संसदन उसे स्पष्टीकरण करेंगे और आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। और इसी दरमियान हम लोगों ने महिला वार्ड का भी निरीक्षण किया, वहाँ पे एक पेशेंट थी जो काफ़ी व्याकुल थी, उनका भी प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा था, उसके लिए हमने निर्देश दिया डॉक्टर साहब उसका प्रॉपर इलाज करें। और सभी लोगों को कल जो लोग इसमें कर्तव्यहीनता के आरोप में पाए गए हैं सभी लोगों पर हम लोग कल जैसा कि सर उस महिला से स्टूडेंट साहब देख रहे हैं, स्टूडेंट साहब उसको देखेंगे, अभी उसको स्पेशल केयर की जरूरत है, उस महिला को ये लोग स्पेशल केयर करेंगे, अभी ये डॉक्टर भी आ गए हैं देख रहे हैं सर, लेकिन कार्रवाई करेंगे सर, कर रहे हैं कार्रवाई करेंगे। एक बात और सर, रात के समय में हम अर्जुन प्रसाद के बउआ को भर्ती कराए थे, उस दौरान 2500 का बेड चार्ज था और मेडिकल 1000 का था, तो फिर हमने वहाँ से नाम कटा के हॉस्पिटल आए। जब हमने हॉस्पिटल आए तो फिर डॉक्टर साहब बेड पे लेटे हुए थे, तो उसके बाद हम चिट्ठा कटा के जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर साहब ये दो सुई लिख दिए, बोला जाओ ये सुई दिखा लो। तो उसके बाद वो बोले, हम बोले कि तीन मेडिकल हमको मिला है, एक खून जाँच और दूसरा जॉन्डिस जाँच और तीसरा बग्घी जो मांग रहा था, तो बोला हम बाद में देखेंगे, दर्द का सुइया दिला लीजिए। तो फिर हमें आनंद फानंद में जब मेरा दिमाग काम नहीं किया तो मैं डीएम साहब को फ़ोन किया, तो वो फिर बोले क्या डॉक्टर साहब कहाँ पे हैं, बोले सर बेड पे लेटे हुए हैं। तो वो मैं बेड बोला बेड का फ़ोटो भेजो, तो मैंने तीन फ़ोटो उसको सेंड किया, जस्ट लाइक 5 मिनट बाद डीएम साहब पहुँच गए। फिर मेरे को फ़ोन किए डीएम साहब, तो उसके बाद डीएम साहब आए, तुरंत वो जांच का तीनों कॉपी देखें, उसके बाद डॉक्टर से बात किए, उसके बाद आगे बढ़ाएं। क्या हुआ था बच्चे को? बच्चे को सर ये बग्घी मार रहा था और ये बुखार था और ये क्या कहता है जॉन्डिस था। कितना दिन का बच्चा है? बच्चा 7 दिन का है सर। अच्छा, डीएम सर के आने के बाद क्या कार्रवाई हुई? डीएम साहब के बाद आने के बाद यही कार्रवाई हुई, हम डीएम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जैसे आए वैसे वो डॉक्टर साहब तीनों मेरा जाँच देख लिए, उनके बाद फिर तुरंत डॉक्टर साहब नीचे रेफर कर दिए। डॉक्टर को फटकार हुई लगी? हाँ, डॉक्टर को फटकार लगी। डॉक्टर को बोले कि सस्पेंड कर देंगे आपको अगर ड्यूटी बढ़िया से नहीं कीजिएगा। मेरे पास फोटो क्लिक है। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी कुमार। कहाँ घर है? दिलिंजर मुंगे।